और गाइस अपन लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर, शायद हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोलिक मशीन्स। ओके, आर्टिकल नंबर 10.2.4 जो कि कह रहा है हाइड्रोलिक मशीन्स, कहता है लेट अस नाउ कंसीडर व्हाट हैपेंस व्हेन वी चेंज द प्रेशर ऑन अ फ्लूइड कंटेन्ड इन अ वेसल। हम उस फ्लूइड की बात कर रहे हैं जो कि वेसल के अंदर कंटेन्ड है। Consider a hollow cylinder with a piston and three vertical tubes at different points. इस hollow cylinder के जो horizontal cylinder है उसके different points पे vertical tubes हैं. Pressure of the horizontal cylinder is indicated by the height of the liquid column in the vertical tubes. ये ऐसे यहाँ पर एक horizontal cylinder है, ये हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है, और इसमें हमने यहां पर ऐसा एक कंटेनर जोड़ दिया है, इसमें यहां पर ऐसा एक कंटेनर जोड़ दिया है, और इसमें यहां पर ऐसा कंटेनर जोड़ दिया, और इनमें ये सेम हाइट तक पानी, ये पानी ये, और शायद ये यहाँ पे क्लोज दिखाया गया है। कहता है लेट अस नाउ कंसीडर व्हाट हैपेंस व्हेन वी चेंज द प्रेशर ऑन अ फ्लूइड कंटेन्ड इन अ वेसल। नाउ दिस इज अ फ्लूइड कंटेन्ड इन अ वेसल, यहाँ पर और यहाँ पर। कंसीडर अ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर विद अ पिस्टन, ये पिस्टन है, यहां से आप इससे पुश कर सकते हो, ये पिस्टन है। कंसीडर अ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर विद अ पिस्टन एंड थ्री वर्टिकल ट्यूब्स एट डिफरेंट पॉइंट्स। इस पॉइंट पे एक वर्टिकल ट्यूब है, इस पॉइंट पे एक वर्टिकल ट्यूब है, और इस पॉइंट पे एक और वर्टिकल ट्यूब है। द प्रेशर इन द हॉरिजॉन्टल सिलेंडर इज इंडिकेटेड बाय द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन द वर्टिकल ट्यूब। ये वर्टिकल ट्यूब्स है, ये भी एक वर्टिकल ट्यूब है, ये भी एक वर्टिकल ट्यूब है, और ये भी एक वर्टिकल ट्यूब है। अब फिलहाल इनमें हाइट सेम है, तो शायद यहाँ प्रेशर सेम, जो प्रेशर होता है वो वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है। द प्रेशर इन द हॉरिजॉन्टल सिलेंडर इज इंडिकेटेड बाय द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन द वर्टिकल ट्यूब्स, इट इज नेसेसरली द सेम इन ऑल। अगर हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम सेम है तो प्रेशर भी सेम होगा, और अगर ये कनेक्टेड है तो हाइट तो सेम होनी ही होगी, क्योंकि हाइट सेम होगी तो प्रेशर सेम होगा, और अगर प्रेशर सेम नहीं होगा एक ऐसी पाइप में जो कि कनेक्टेड है, तो फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक लिक्विड बह जाएगी। फाइनली हाइट सब जगह सेम होना होगा और प्रेशर सब जगह सेम होना होगा, नहीं तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक लिक्विड बह जाएगी। ये लाइन थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है मेरी, कि प्रेशर सब जगह सेम होना होगा, हम तो बस यहाँ प्रेशर बात कर रहे हैं, यहाँ प्रेशर की बात कर रहे हैं और यहाँ प्रेशर की बात कर रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई काम की बात हमारे सामने आई तो नहीं है। कहता दिस इज नेसेसरली द सेम इन ऑल, इफ यू पुश द पिस्टन द फ्लूइड लेवल राइजेस इन ऑल द ट्यूब्स अगेन रीचिंग द सेम लेवल इन ईच वन ऑफ देम। मतलब यहाँ से भी मैं लिक्विड को पुश करूंगा ना, तो जो राइज होगा वो तीनों राइज ऑफ लिक्विड का लेवल होगा। इसमें अगर पानी यहाँ तक आएगा ना, तो इसमें भी पानी यहाँ तक चढ़ेगा, और इसमें भी पानी यहां तक चढ़ेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द शेप्स एंड साइज। इफ वी पुश द फ्लूइड लेवल, इफ वी पुश द पिस्टन कॉमा द फ्लूइड लेवल राइजेस इन ऑल द ट्यूब्स अगेन रीचिंग द सेम लेवल इन ईच वन ऑफ देम। यहां तक कि शायद हमने ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा नहीं है। डायग्राम के नीचे देखते हैं क्या लिखा है। कहता है व्हेनेवर एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन एनी पार्ट ऑफ फ्लूइड इन अ वेसल इट इज इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस। हाँ, ये बात जरूर अभी हम थोड़ी देर में लिख लेते हैं, काम का स्टेटमेंट है। कहता है दिस इंडिकेट्स दैट व्हेन द प्रेशर ऑन द सिलेंडर वाज इंक्रीज्ड इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट। वी कैन से व्हेनेवर एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन एनी पार्ट ऑफ फ्लूइड कंटेन्ड इन अ वेसल इट इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। तो बस आप हेडिंग दे दीजिए पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ।
और ब्रैकेट में लिख दीजिए अनदर डेफिनेशन पास्कल्स लॉ, अनदर डेफिनेशन पास्कल्स लॉ की एक डेफिनेशन तो हमने ये देखी थी कि अगर एक कंटेनर में सेम लिक्विड है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर तो प्रेशर सब जगह सेम रहेगा, अगर एक लिक्विड कॉलम रेस्ट पर है फ्लूइड कॉलम रेस्ट पर है तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर सब जगह प्रेशर सेम रहेगा, पास्कल्स लॉ की ये एक स्टेटमेंट था। और आज पास्कल्स लॉ का ही एक और स्टेटमेंट लेकर आए, तो अब तक कुछ भी पॉइंट पढ़ने लायक नहीं है, बस आप तो ये लिखिए whenever external pressure is applied on any part, जो एनसीईआरटी ने बोल्ड लेटर्स में लिखा है हम भी उसी की बात कर रहे हैं, whenever external pressure is applied on any part of a fluid contained in a vessel को थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए, whenever external pressure is applied on any part of a fluid contained in a vessel it is transmitted undiminished and equally in all directions, अगर फ्लूइड कॉलम कंटेनर में है और उसमें मतलब ये कहीं ना कहीं ये मैसेज भी आ ही रहा है कि फ्लूइड कॉलम रेस्ट पर है, आप तो ये ऐड कर सकते हैं उसमें, देखिए व्हेनेवर एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन एनी पार्ट ऑफ अ फ्लूइड कंटेन्ड इन अ वेसल, ब्रैकेट में एट रेस्ट लिख दीजिए, मतलब वेसल रेस्ट पे नहीं है फ्लूइड रेस्ट पर है, तो वो जो प्रेशर होता है इट इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड एंड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ पास्कल्स लॉ एंड हैज मेनी एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। बस इसी के एग्जाम्पल के रूप में हम ये लिख सकते हैं दोबारा, इसी के एग्जाम्पल के रूप में ये लिख सकते हैं, यही डायग्राम फिर से बना लेते हैं और ऐसा कुछ बोल देते हैं, ये ऐसा कर देते हैं और बोल देते हैं कि ये क्वेश्चन के रूप में बात कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने इसको पुश किया है, पिस्टन इज पुश्ड, ये वेसल ए है ये वेसल बी है ये वेसल सी है, इन विच वेसल राइज ऑफ लिक्विड विल बी मैक्सिमम, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया तो जा सकता है। पिस्टन को हमने पुश किया है, ऐसा पिस्टन को पुश किया है कहता इन विच वेसल द राइज ऑफ द लिक्विड विल बी मैक्सिमम, जवाब हमारा ये है कि सेम होगा, तीनों में सेम होगा, कारण यह है कि जो प्रेशर हमने लगाया है वो इसमें उसका जितना असर आया है इसमें भी उतना ही असर आया है और इसमें भी उतना ही असर आया है, और प्रेशर का ताल्लुक सिर्फ वर्टिकल हाइट से होता है, स्टैटिक फ्लूइड कॉलम में प्रेशर का ताल्लुक सिर्फ वर्टिकल हाइट से होता है, तो जो हाइट रीजन है वो तीनों बार सेम है, ये स्टेटमेंट आप बार बार बोलते रहेंगे, आप एक पास्कल्स लॉ की समरी लिख दीजिए, पहले इसकी एप्लीकेशंस तो और बाद में पढ़ते हैं, पहले तो पास्कल्स लॉ की समरी लिख दीजिए, इन अ फ्लूइड कॉलम ऑफ कोर्स एट रेस्ट इन द सेम कंटेनर P at different points in same liquid at same horizontal level is same, ये पास्कल्स लॉ का एक स्टेटमेंट तो हमने पहले ये पढ़ा था, सेम हाइट पर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होता है, और दूसरा अब हम पढ़ रहे हैं कि प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, बस इतना एलोबरेट बोलने की जरूरत नहीं, इसको भी शॉर्ट में बोल सकते हैं कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है,
इतनी सारी बातें अब हम कॉन्टेक्स्ट से ही समझ जाएंगे. सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होता है एंड प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस. ये अब तक पास्कल्स लॉ के दो स्टेटमेंट्स हैं जो हमने पढ़े. और हाइड्रोलिक मशीन्स के नाम पे अब हम आपको पढ़ा रहे हैं द नंबर ऑफ डिवाइसेस सच एज हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर बेस्ड ऑन द पास्कल्स लॉ. तो इन्हीं की बात कर लेते हैं जरा. हाँ ये काम के हैं. हाइड्रोलिक लिफ्ट का नाम दे देता हूं. हाइड्रोलिक लिफ्ट हम थोड़ा ढंग से पढ़ लेते हैं. हाइड्रोलिक लिफ्ट और उसमें तो पहले तो यही बात कहेंगे कि बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ. ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है इट इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ. The number of devices such as hydraulic lift and hydraulic brakes are based on Pascal's law. In these devices, fluids are used for transmitting pressure. In a hydraulic lift, as shown, the two pistons are separated by the Pascal's law है और यहाँ हम लिख सकते हैं कि pressure is transmitted through the fluid column. इन अ कंटेनर. एक कंटेनर में एक फ्लूइड कॉलम होता है. और उसी के थ्रू हम प्रेशर को ट्रांसमिट करते हैं. अच्छा इंटरेस्टिंग है ये. काफी काफी इंपॉर्टेंट भी है. फिगर 10.6 देख लेते हैं हम. इसमें स्कीमेटिक डायग्राम इलस्ट्रेटिंग द प्रिंसिपल बिहाइंड द हाइड्रोलिक लिफ्ट अ डिवाइस यूज्ड टू लिफ्ट हैवी लोड्स. तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में मैं एक बात ही कह रहा हूं कि इट इज अ डिवाइस यूज टू लिफ्ट हैवी लोड्स. बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और हद से ज्यादा आसान भी है. मैनोमीटर के न्यूमेरिकल थोड़े से टफ पड़ते हैं स्टूडेंट्स को, पर हाइड्रोलिक लिफ्ट के सवालों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती. बेसिकली कार का जो सर्विस स्टेशन है जहाँ कार को लिफ्ट किया जाता है वहाँ ये या इवन जो आप अपना जैक यूज करते हैं गाड़ी उठाने में वहाँ भी यही सब प्रिंसिपल इस्तेमाल होते हैं. भारी गाड़ी को लिफ्ट उठाने में जो हाइड्रोलिक जैक है, एक तो मैकेनिकल जैक होता है और एक हाइड्रोलिक जैक होता है, और वहाँ पे भी यही प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है. यहाँ पर ये ऐसा है, ये पिस्टन है, ये पिस्टन है, और यहां पर उसने उसको पैर ऐसा दिखाया है. मान लीजिए कंटेनर है, ऐसा कुछ दिखाया है. इसके ऊपर कार खड़ी करे, इसके ऊपर वो कार खड़ी करे, व्हीकल कार बना दी मैंने. क्योंकि ये ऐसा यहाँ पे लिक्विड भरी फ्लूइड है, बेसिकली गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है. ऐसा यहाँ इसका एरिया A1 है और यहाँ इसका एरिया A2 है. ये जो पूरा एरिया है ये A2 है. इधर से हम फोर्स F1 लगाते हैं और इधर से फोर्स F2 ट्रांसमिट हो जाता है. हम यहाँ लिक्विड कॉलम पे फोर्स लगाते हैं और इधर फोर्स ट्रांसमिट हो जाता है. बहुत ही छोटा न्यूमेरिकल इस पे बनता है और आ जाए तो मजा आ जाए. पर हाँ पास्ट में इस पे ज्यादा न्यूमेरिकल आए नहीं है. पूरी ही फ्लूइड्स में सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी को छोड़ के ज्यादा न्यूमेरिकल आए बिल्कुल भी नहीं है. पर एनीवे कभी भी आ सकते हैं. एक एक दो दो आए हैं और वो इस बात को इंडिकेट करता है कि आ तो कभी भी सकते ही. तो मैं खैर पिछले पेज पे पैराग्राफ को फिर से पढ़ रहा हूँ. कहता है इन हाइड्रोलिक लिफ्ट शोन इन फिगर 10.6b टू पिस्टन्स आर सेपरेटेड बाय द स्पेस फिल्ड विद अ लिक्विड. ये एक पिस्टन है और ये एक पिस्टन है और ये एक लिक्विड बीच में भरी हुई है. अ पिस्टन विद स्मॉल क्रॉस सेक्शन A1 इज यूज्ड टू एक्सर्ट अ फोर्स F1 डायरेक्टली ऑन द लिक्विड. इसका एरिया कम है और यहाँ डायरेक्टली मैं फोर्स F1 लगा रहा हूँ.
और फोर्स की बात नहीं, लिक्विड्स में शायद प्रेशर की बात करते हैं, इसलिए उसने इस जगह प्रेशर को F1 by A1 निकाल लिया और कहता है इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द लिक्विड टू द लार्जर सिलेंडर अटैच टू द लार्जर पिस्टन ऑफ एरिया A2। रूल ये है कि ध्यान दीजिए, फोर्स इज नॉट ट्रांसमिटेड, हमने ये नहीं कहा कि फोर्स इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड, हमने ये नहीं कहा कि फोर्स इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड, हमने कहा प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड। तो आप इस तरह प्रेशर जो है ना, इस पिस्टन पे जो प्रेशर है वही इस पिस्टन पे भी प्रेशर लगेगा। ये वार्निंग लिख दीजिए, वार्निंग लिख दीजिए, हियर फोर्स इज नॉट ट्रांसमिटेड इक्वली, फोर्स इज अनइक्वल, फोर्स इज नॉट ट्रांसमिटेड इक्वली, इस बात पे 4 स्टार दे दीजिए। फोर्स इक्वल नहीं है, प्रेशर इज इक्वल, प्रेशर ऑन बोथ द पिस्टन्स इज इक्वल। जो प्रेशर आप यहां लगाएंगे उतना ही प्रेशर यहां ट्रांसमिट हो जाएगा। प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड। तो यहां जो मैंने प्रेशर, ये मेरा इनपुट प्रेशर है और ये मेरा आउटपुट प्रेशर है, F1 by A1 is equal to F2 by A2। बस अब तो बात बड़ी क्लियर है कि जहां एरिया कम है वहां कम फोर्स लगाइए और उसके बदले में जहां एरिया ज्यादा है वहां आपको ज्यादा फोर्स प्राप्त हो जाएगा। यू विल कन्वर्ट अ स्मॉल फोर्स इनटू अ बिग फोर्स, छोटा फोर्स अपॉन छोटा एरिया इज इक्वल टू बड़ा फोर्स अपॉन बड़ा एरिया, क्योंकि जो प्रेशर यहाँ है वही प्रेशर यहाँ है। आप यदि यहाँ का एरिया बढ़ा लेंगे तो जो फोर्स फ्लूइड ट्रांसमिट करेगी वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। लिक्विड्स में या गैसेस में फोर्सेस ट्रांसमिटेड इक्वल नहीं होते हैं, प्रेशर्स इक्वल होते हैं। तो बस इतनी सी लाइन पे 5 स्टार देंगे हम, F1 by A1 इज इक्वल टू F2 by A2 पे 5 स्टार दे दीजिए। The pressure P is equal to F1 by A1 is transmitted throughout the liquid to the larger cylinder attached to the larger piston of area A2, which results in upward force of P into A2. भाई इसको आप P ले लीजिए, दोनों तरफ प्रेशर को P ले लीजिए, तो जो F1 है वो P A1 है और जो F2 है वो P A2। जो F1 है एक प्रकार से वो इनपुट फोर्स है, जो F1 है वो हमने फोर्स अप्लाई किया है, तो ये इनपुट फोर्स है और F2 जो है जो हमें मिल रहा है वो आउटपुट फोर्स है। बेसिकली बस आपको ये ध्यान रखना है, आपके इससे सारे न्यूमेरिकल फटाफट बनते चले जाएंगे और मेनली सिर्फ न्यूमेरिकली काम के हैं। एसोसिएटेड थ्योरी तो एकदम ही रिडिकुलस और इडियोटिक और टोटली नॉनसेंस है, उसे पढ़ना महामूर्खता है जी। मैं एक्चुअली में क्या हो रहा है सर, वो एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है ना? आएगा आएगा आएगा, बेसिकली तो मुझे एक्सप्लेनेशन आती नहीं है, शायद कहीं आगे आ जाए, बट बेसिकली हम जो प्रेशर लगाते हैं बस वो प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली। प्रेशर अगर इक्वल है तो ऑटोमेटिकली जहां एरिया ज्यादा है वहां अपने आप फोर्स ज्यादा हो जाता है। उसके पूरी मैकेनिक्स, उसके यहां के मॉलिक्यूल्स पे क्या हुआ और यहां कैसे हुआ और वो फोर्स का कन्वर्जन कैसे हुआ वो मुझे आता नहीं है और मैं उसे जानना भी नहीं चाहता। मेरे डिस्कशन में कहीं कोई बात क्लियर हो जाए तो शायद आप अपने आप ही समझ जाओगे ये पूरा मैकेनिज्म क्या हो रहा है, मुझे ये नहीं मालूम। सॉलिड्स में तो मुझे मालूम था कि यहाँ जो मैं फोर्स लगाऊंगा वही फोर्स ट्रांसमिट होगा। सॉलिड्स में हम फोर्स की बात करते हैं पर लिक्विड्स में तो हम पूरे बल्क पे बात करते हैं, एक पॉइंट पे बात भी नहीं करते हैं, तो वहाँ हम प्रेशर की बात करते हैं। जो आपका इनपुट प्रेशर है पास्कल ने कहा कि वही आपको आउटपुट प्रेशर मिलेगा। ये कॉलम रेस्ट पे था, जितना आपने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया उतना ही आपको आउटपुट प्रेशर मिल जाएगा, जितना इधर इंक्रीमेंट करेंगे उतना इधर इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसके बल्क में उसके मैटर में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं और मैं जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं इसकी थियोरी को रिडिकुलस और नॉनसेंस इसीलिए तो जानबूझ के पहले बोल चुका हूं ताकि आप मेरे ऊपर उंगली ना उठा पाए कि इन्हें तो पता नहीं है। एग्जाम ओरिएंटेड बातें करें तो दिस इज सर्टेनली नॉनसेंस, चॉइस इज योर्स। इंटरेस्ट हमें आता तो है पर नहीं लेना चाहिए, दबा देना चाहिए। प्रेशर कहता है इज ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द लिक्विड टू द लार्जर सिलेंडर अटैच टू द लार्जर पिस्टन ऑफ एरिया which results in an upward force of P into A2, therefore the piston is capable of supporting a larger force, large weight, say a car or a truck. Car उठाना है आपको या truck उठानी है तो बस आपने हल्का सा force लगाई है छोटे area पे, या हल्का सा force लगाई है मैं भी ideally अगर मजाक के तौर पे बोलूँ तो मैं बोलूँगा यहाँ छोटा सा area लीजिए और खूब मार दीजिए और the truck ऊपर उड़ जाए,
उधर एरिया अगर ज्यादा है, एक फूक को आप उधर बड़े फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ छोटा एरिया लीजिए, फोर्स अपॉन एरिया जितना यहाँ है उतना ही फोर्स अपॉन एरिया आउटपुट साइड है, वहां अगर एरिया ज्यादा है तो फोर्स वहां ज्यादा डेवलप हो जाएगा। तो बस F2 हो गया PA2 by changing the force at A1, the platform can be move up or down। आप और फोर्स लगा दीजिए तो और ऊपर उड़ जाएगा, थोड़ा फोर्स कम कर दीजिए तो नीचे आ जाएगा। By changing the force at A1, the platform can be moved up or down, thus the applied force has been increased by a factor of A2 by A1, and this factor is the mechanical advantage of the device। Heading दे दीजिए mechanical advantage, mechanical advantage। मैकेनिकल एडवांटेज का तो हमेशा से मतलब क्लियर बताना पड़ेगा, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ हाइड्रोलिक लिफ्ट। मैकेनिकल एडवांटेज हमने इधर लीवर्स में भी पढ़ा था, चैप्टर नंबर 7 में, रोटेशन के चैप्टर में, जहां हम बेसिकली हमेशा इस बात में इंटरेस्टेड होते हैं कि हम लोग मशीन, अगर कोई भी मशीन बना रहे हैं तो किसी भी सिंपल मशीन का काम है कि छोटे से एफर्ट लगा के हम बड़ा सा लोड उठा सकें। तो यहाँ भी आपने कितना लोड उठाया है, कितने टाइम्स लोड उठाया है एफर्ट की तुलना में, उसको मैकेनिकल एडवांटेज कहेंगे। ऐसे ही लिख दीजिए कि इन अ मशीन इट इज ऑलवेज डिजायर्ड दैट बाय एप्लीकेशन ऑफ अ स्मॉल फोर्स वी आर एबल टू लिफ्ट अ हैवी लोड। मशीन में छोटा सा फोर्स लगा के एक बड़े से लोड को उठाया जाता है। And mechanical advantage is always the gain in force, कि आपने force में कितना gain किया, यानी कि शायद output force upon input force, यानी basically load upon effort, अगर levers की भाषा में बोले तो यहां तो शायद वो F2 by F1 हो गया। आप force में जो gain कर रहे हैं, जितने टाइम फोर्स को एम्पलीफाई कर रहे हैं, उस गेन को मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। Thus the applied force has been increased by a factor of A2 by A1। लोड मैंने F2 उठाया है, एफर्ट F1, और F1 by F2 is equal to A1 by A2। तो हाँ, मुझे एरियाज के टर्म्स में बात करनी चाहिए, क्योंकि एक बार मशीन बन गई तो उनके एरियाज फिक्स हो गए, ये फोर्सेस तो वेरिएबल है। मैकेनिकल एडवांटेज का आंसर अल्टीमेटली अलग से, मैकेनिकल एडवांटेज का आंसर A2 by A1 पे ही, यानी बेसिकली बिग एरिया अपॉन स्मॉल एरिया। क्या A2 है क्या A1 है ये तो मेरे को कंफ्यूजन हो जाएगा, पर मैकेनिकल एडवांटेज एक से बड़ा ही आना चाहिए अगर आपकी मशीन किसी काम की है तो, अगर यूज करने लायक है तो मैकेनिकल एडवांटेज एक से बड़ा ही आना चाहिए। सो इट इज बिगर एरिया अपॉन स्मॉल एरिया। ऑलराइट, तो यही इसने डायग्राम में दिखाया है कि हमने जहां एरिया कम है वहां फोर्स कम लगाया, और बदले में हमें जहां ये पूरा इसका जो प्रेशर डेवलप हुआ, वो तो प्रेशर सारे मॉलिक्यूल्स पे जन ट्रांसमिट हो गए, और बस उस पूरे बल्ब के थ्रू आउटपुट साइड बड़े बड़े जगह से वहां सारे मॉलिक्यूल्स, इतने सारे मॉलिक्यूल्स, अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स मिलकर इसको उठा रहे हैं, ज्यादा मॉलिक्यूल मिलकर उठा रहे हैं, तो शायद यह फोर्स ज्यादा जनरेट हो जाए। बहुत एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो यहाँ नहीं आया मेरे समझ में, तो शायद बातें अभी और बाकी है, शायद थोड़ा और क्लियर हो जाए। सॉलिड्स में जब हम एक कुछ फोर्स लगाते हैं तो फोर्स बराबर ट्रांसमिट होता है, और लिक्विड्स में और गैसेस में प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है। उनकी जो काम की प्रॉपर्टी है, किसी लिक्विड में आप कभी फोर्स की बात नहीं करते कि मैंने लिक्विड पे फोर्स लगाया, लिक्विड पे आप प्रेशर की ही बात करते हैं कि मैंने लिक्विड पे प्रेशर लगाया। गैसेस में आप पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की बात करते हैं, आप एफवी इज इक्वल टू एनआरटी की बात नहीं करते। लिक्विड्स में और गैसेस में जो मोर डोमिनेटिंग प्रॉपर्टी है वो प्रेशर है, ना कि फोर्स है। सॉलिड्स में वो प्रॉपर्टी फोर्स है, और सॉलिड्स में फोर्स इक्वल होता है, और लिक्विड्स और गैसेस में प्रेशर इक्वल होता है। एग्जाम्पल 10.5 सॉल्व करके देखते हैं सीधे, कहते हैं सीरिंजेस ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल विदाउट नीडल्स, जब इनमें नीडल नहीं थी तो इनके सीरीज थे डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के, पानी से भरे हुए थे, आर कनेक्टेड विद अ टाइटली फिटेड रबर ट्यूब फिल्ड विद वाटर, डायमीटर्स ऑफ द स्मॉलर पिस्टन एंड लार्जर पिस्टन आर दिस मच एंड दिस मच, कहते हैं फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन लार्जर पिस्टन
मुझे सिचुएशन तो बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रही है, पर मुझे सवाल सवाल हो जाएगा, कोशिश करूंगा तो मैं सिचुएशन भी समझ लूंगा, डायग्राम भी बना लूंगा, पर मैं उसके पहले ही, ना तो मुझे क्वेश्चन ढंग से समझ में आ रहा है, ना मेरे से डायग्राम बनाया जा रहा है, पर मुझे समझ में आ रहा है कि उसने एरिया दिया है और ए टू दिया है, कहते डायमीटर्स, डायमीटर्स का रेशो 1:3 है, तो डायमीटर्स का रेशो 1:3 है, तो रेडियसों का भी रेशो 1:3 है और एरियाज का रेशो 1:9 है, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। कहते हैं फाइंड द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन व्हेन अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू द स्मॉलर पिस्टन। मुझे कुछ खास सिचुएशन समझ में तो नहीं आई कि कौन सी छोटी सीरीज है, कौन सी बड़ी सीरीज है, और उसको उसने कैसे पाइप के थ्रू जोड़ा हुआ है, पर मुझे ये बात पक्का समझ में आ रही है कि F1 by A1 = F2 by A2, और सवाल मुझसे आसानी से सॉल्व हो रहा है, और यहाँ छोटे वाले में उसने फोर्स लगाया 10 न्यूटन अपॉन पाई आर स्क्वायर, रेडियस है 1 सेंटीमीटर, तो इसे सेंटीमीटर में ही रहने दीजिए, पाई आर स्क्वायर, तो ये डायमीटर है, इसका रेडियस ये है पाई आर स्क्वायर, F2 upon A2, और इसका डायमीटर है 3 सेंटीमीटर, सो पाई आर स्क्वायर में ये हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये पाई पाई कैंसिल हो गया, स्क्वायर के अंदर से ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, और 2/2 भी कैंसिल हो गया, तो 10 upon 1 square = F2 upon 3 square, तो F2 जो है सीधे 90 न्यूटन आ, ये एरिया दूसरी साइड का 9 टाइम ज्यादा है, तो फोर्स 9 टाइम ज्यादा हो जाएगा, जरूर ये ऐसा कुछ होगा, ये सीरीज है और मे बी ये ऐसी है, ये थोड़ी मोटी सीरीज है और मे बी ऐसी है, और ये कैसे रबर ट्यूब से कनेक्टेड है, बस ऐसा है, इधर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इधर मुझे कितना फोर्स जनरेट हो रहा है, ऐसा कुछ मुझे कैलकुलेट करना है। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेता हूँ, शायद समझ में आ गया है मुझे, मैथमेटिक्स के बाद आपको समझ में ज्यादा आसानी से आ जाएगी फिर क्वेश्चन की भी। कहता है टू सिरिंजेस ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस विदाउट नीडल्स फिटेड विद वाटर आर कनेक्टेड फिल्ड विद वाटर सॉरी आर कनेक्टेड विद अ टाइटली फिटेड रबर ट्यूब फिल्ड विद वाटर डायमीटर्स अ स्मॉलर पिस्टन एंड द लार्जर पिस्टन। हाँ मुझे थियोरी भी समझ में आ, अगर मैथमेटिक्स समझ में आएगी तो थियोरी समझ में आएगी, अपने आप आ जाएगी सवाल की। उसने मुझे एक तरफ का पिस्टन का नाम यूज कर लिया, उससे मुझे सवाल समझ में आ गया कि फ्लूइड मैकेनिक्स का सवाल है, फोर्स की बातें कर रहा है, F1 by A1 = F2 by A2 मारूंगा मैं। कहता सिंस द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड थ्रू आउट द फ्लूइड, फ्लूइड की प्रॉपर्टी है ये कि फ्लूइड में प्रेशर अनडिमिनिश्ड जैसा आता है वैसे ही आगे ट्रांसमिट होता है, जैसा आता है वैसे ही आगे ट्रांसमिट हो जाता है, अगर ऐसा ना हो तो फिर कंटिन्यूटी फ्लूइड की ना बनी रहे, जैसा प्रेशर आता है वैसे ही वो अपने पास को रखता नहीं है, आगे ट्रांसमिट कर देता है, वो फोर्स ट्रांसमिट नहीं करता, क्योंकि फोर्स के लिए तो मुझे बहुत रिजिड मॉलिक्यूल्स चाहिए, या बहुत रिजिड मॉलिक्यूल्स तो नहीं है, तो फोर्स तो ट्रांसमिट नहीं होता, सॉलिड होती तो फोर्स ट्रांसमिट हो जाता, अगर ये सॉलिड दो चीजों को जोड़ रही होती और मैं यहाँ फोर्स लगाता तो जितना मैं यहाँ फोर्स लगाता उतना यहाँ ट्रांसमिट हो जाता, पर लिक्विड में फोर्स नहीं, गैस में फोर्स नहीं, प्रेशर ट्रांसमिट होता है, जितना प्रेशर इधर से आएगा उतना ही आगे ट्रांसमिट हो जाएगा। इसके और बहुत डिटेल्ड मैकेनिक्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो हाँ मुझे नहीं आता और मैं कभी सीखना भी नहीं चाहता, न सीखूंगा न सिखाऊंगा, नहीं तो आप थ्योरी में और मजे लेंगे। ये बात सही है कि इनकम्प्लीटनेस का फील आता है, पर फील ज्यादा जरूरी है या मार्क्स, दैट इज योर चॉइस। पार्ट बी है सवाल का, इफ द स्मॉलर पिस्टन इज पुश्ड इन थ्रू 6 सेंटीमीटर, अब थोड़ा जवाब फिर भी कुछ तो मिल जाएगा, मैथमेटिकली सही, उतना डीप थ्योरी की बातें तो नहीं हो सकती, मैथमेटिकली सही थोड़ा जवाब मिल जाएगा, अच्छी बात है। If the smaller piston is pushed through 6 centimeter, how much does the larger piston move out? ये बड़ी प्यारी बात है, बहुत बढ़िया बात है, अपन हेडिंग दे देते हैं इसमें कि रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट्स, या चलिए रिलेशन बिटवीन, ठीक है यही देखते हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द टू पिस्टन्स, रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द टू पिस्टन्स इन हाइड्रोलिक लिफ्ट, रिलेशन बिटवीन
linear displacements in the two pistons in a hydraulic lift. ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है, ये ऐसी कहानी है कुछ, ये है, इसको हम बना ही चुके थे, ये है F1, ये है F2। अब एक बात पक्की है कि जब आप इधर से इसको नीचे पुश कर रहे हैं और ये चीज अगर यहां आ गई तो इतनी जो लिक्विड है वो लिक्विड इधर ऊपर राइज होगी। बेसिकली जब ये पिस्टन नीचे आ जाएगा, जब ये ऐसा हो जाएगा, जब ये ऐसा बन जाएगा, तो इतनी जो लिक्विड थी वो यहाँ से डिसअपीयर हो गई और यहाँ से गायब जितनी लिक्विड हुई है उतनी ही लिक्विड इधर ऊपर राइज करेगी। एक बहुत ही बेसिक बात यहाँ पे ये है कि जो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस यहाँ से है उतनी वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इंक्रीजिंग इन दिस पिस्टन है। लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड आउट ऑफ द स्मॉलर पिस्टन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंट्री द बिगर पिस्टन। वॉल्यूम तो कंजर्व है, जितनी यहां से गायब होगी लिक्विड की उतनी ही यहां ऊपर राइज होगी। वॉल्यूम तो कंजर्व है, टोटल वॉल्यूम तो कभी गायब हो नहीं रही, कंप्रेस लिक्विड कंप्रेस तो हो नहीं रही, लिक्विड तो हम आइडियली इनकंप्रेसिबल मानते हैं। तो जितनी लिक्विड आपने यहां से डिस्प्लेस कर दी वॉल्यूम के, जितनी वॉल्यूम यहां से गायब हो गई उतनी वॉल्यूम यहां ऊपर चढ़ जाएगी इस पिस्टन में। बस ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो फिर भी कुछ जवाब शायद आपको मिल जाए। ये बात पक्की है कि वॉल्यूम तो कंजर्वड है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, क्योंकि डेंसिटी हम लोग चेंज नहीं मान रहे हैं। तो जितनी वॉल्यूम यहाँ से नीचे गई उतनी वॉल्यूम ने यहाँ पिस्टन को ऊपर उठा दिया और उसी कारण तो लोड ऊपर उठता है। तो मैं ए वन एक्स वन इसे को ए टू एक्स टू कह सकता हूँ। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट। ए वन तो आप जानते हैं लेफ्ट वाले पिस्टन का एरिया था और ए टू राइट वाले पिस्टन का एरिया है। तो एक्स वन इज द डिस्प्लेसमेंट, displacement of liquid in smaller piston and x2 is the displacement of liquid in bigger piston. Basically mass conserved hai, so density into volume same hai. रो बी वन इसी रो बी टू, बेसिकली जितना मास लिक्विड का यहाँ से गया उतना मास वहां राइज कर जाएगा। मास होता है डेंसिटी टू वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों तरफ सेम है तो वॉल्यूम कंजर्व्ड है और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया टू लेंथ। तो ए वन एक्स वन इसी ए टू एक्स टू, A1 X1 is equal to A2 X2 पे भी आप पांच चार दे दीजिए। आपके पास हाइड्रोलिक मशीन में एक F1 by A1 is equal to F2 by A2 है, एक मैकेनिकल एडवांटेज is equal to big area upon small area है, और एक A1 X1 is equal to A2 X2 है। हाइड्रोलिक मशीन की समरी कितनी है, एट द मोस्ट आप ये लिख सकते हैं कि प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वल। हाइड्रोलिक मशीन्स में आप इससे ज्यादा कुछ और ना पढ़े, या आपकी कंप्लीट समरी हो गई है, सारे न्यूमेरिकल आपसे बन जाएंगे। हाँ ये बात एक वैलिड है आपकी कि पूरा मैकेनिज्म कैसे प्रेशर कैसे फोर्स बड़ा हो गया मुझे मैथमेटिकली तो समझ में आ रहा है, थियोरी से समझ नहीं आ रहा। पर मेरा परम डायलॉग है जो आपके हित में है, न सीखूंगा न सिखाऊंगा। कहीं गलती से मैंने सीख लिया तो मैं स्मार्टनेस पे लूंगा जरूर, बताऊंगा जरूर। बेसिकली यहाँ पे एक बात और समझिए, तो ये वाला सवाल तो हो जाएगा आपका A1 X1 A2 X2, दूसरी तरफ रेडियस या डायमीटर तीन गुना ज्यादा है तो एरिया नौ गुना ज्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट नौ गुना कम होगा। एरिया नौ गुना ज्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट नौ गुना कम होगा तो सिक्स बाय नाइन होगा।
6/9, 2/3, 0.66 centimeter. All right. Thus, but the note atmospheric pressure is common to both the pistons and has been ignored. ठीक है, वो मैं अभी बात करता हूँ. पहले मैं आपको यहाँ एक बात, ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एक बार और पार्ट लिख दीजिए, पार्ट सी भी कर सकते हैं. इसका पार्ट बी फिर से एक्सप्लेन कर देंगे. पार्ट टू. यस सर. भाई A1x1 is equal to A2x2 क्योंकि वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड सेम है. यस सर. पाई R1 स्क्वायर x1 is equal to पाई R2 स्क्वायर x2 पाई पाई कैंसिल हो गया और R1 जो है वह है 3/2 क्योंकि डायमीटर 3 सेंटीमीटर दिया है और x1 की वैल्यू 6 दी है इसी को तो R2 स्क्वायर और उधर बाद में उधर उसका रेडियस कितना है सर 3/2 ये शायद 1/2 है और ये 3/2 है डायमीटर 3 है 3/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर इनटू x2 सो 2/2 स्क्वायर के अंदर ओपन करूंगा स्क्वायर ओपन करूंगा तो 2/2 कैंसिल कर दूंगा फिर सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल कर दूंगा तो 1 स्क्वायर इनटू 6 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इनटू x2 तो x2 जो है वो 6/9 आ जाएगा 3 से डिवाइड कर देता हूं तो 2/3 आ जाएगा तो 0.66 सेंटीमीटर आ जाएगा क्योंकि जिस यूनिट में इन दोनों की यूनिट्स तो कैंसिल हो गई पर जिस यूनिट में मैंने ये रखा है उस यूनिट में मुझे ये मिल जाएगा इन दोनों की यूनिट कैंसिल हो गई या मुझे इसकी यूनिट लिखनी चाहिए थी तो उसी यूनिट में मुझे x2 मिल जाता ये एक या तो वो आपसे निकलवाएगा फोर्सेस बहुत अच्छी बात है हाइड्रोलिक मशीन एक प्योर मैथमेटिकल डिस्कशन है जिसमें थ्योरी का कोई लेना देना नहीं थ्योरी के नाम पे हमें एक ही बात समझनी है कि P1 इज इक्वल टू P2 सो F1/A1 A1 इज इक्वल टू F2/A2 वही थ्योरी है वही मैथमेटिक्स और फिर वॉल्यूम कंजर्व्ड है जो थोड़ा छुपा हुआ पार्ट है अगर थोड़ा घुसा हुआ पार्ट है जो थोड़ा लेस कॉमनली नोन है वो ये कि वॉल्यूम्स को भी इक्वेट करिए आप जितनी आपने वॉल्यूम यहाँ से पुश किया उतनी वॉल्यूम यहाँ घुसेगी हमें जब इंजेक्शन लगाता है कोई तो जितनी वॉल्यूम वो वायल में से इंजेक्शन की पुश कर देता है उतनी आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है ये खाली हो जाता है जितनी वॉल्यूम सुई लगाते समय इंजेक्शन के वायल में से गायब हुई उतनी आपके शरीर के अंदर घुस घुस गई तो वॉल्यूम तो जितनी यहाँ से नीचे जाएगी उतनी यहाँ ऊपर उठ जाएगी A1x1 = A2x2 अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कंपेयर द वर्क डन इन इनपुट एंड आउटपुट इन हाइड्रोलिक मशीन वर्क को कंपेयर करिए तो इनपुट वर्क जो है वो है F1x1 और जो आउटपुट वर्क है वो है F2x2 और जरूर आप पाएंगे कि एनर्जी इज कंजर्व आप जरूर पाएंगे कि इनपुट वर्क इज इक्वल टू आउटपुट वर्क आप ये पाएंगे कि F1x1 इज इक्वल टू F2x2 ये भी एक इक्वेशन हो सकता है फाइनल रिजल्ट में हम समरी में लिखवा देंगे इसे मैं मैथमेटिकली भी प्रूव कर देता हूं पर मैं समझ तो रहा ही हूं कि हम लोग वर्क में कभी गेन नहीं करते और हम ये भी तभी लिख सकते हैं जब कोई कहीं एनर्जी लॉस ना हुआ हो आइडियल कंडीशंस हो निग्लेक्टिंग ऑल एनर्जी लॉसेस इन रियलिटी थोड़े बहुत एनर्जी लॉसेस तो होते ही है पर हम उन्हें निग्लेक्ट कर रहे हैं निग्लेक्टिंग ऑल एनर्जी लॉसेस अगर आप सारी एकदम आइडियल बात करें अगर आइडियल सिचुएशन हो तो इनपुट वर्क इज इक्वल टू आउटपुट वर्क तो हमें ये शायद फिर भी आपकी इनक्विजिटिवनेस थोड़ी शांत हो जाए आपको ये तो अजीब सा लग रहा था कि यार बिना बात के फोर्स तुमने एम्पलीफाई कर लिया तुमने यहाँ छोटा सा फोर्स लगाया और यहाँ बड़ा सा फोर्स एम्पलीफाई कर लिया ये थोड़ा हमें विश्वास नहीं हो रहा कि फोर्स आया कहाँ से पर हमें भी एक चीज जरूर समझ में आ रही है कि ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट की कीमत पे आया तुमने जहाँ कम फोर्स लगाया है ना वहां तुम ज्यादा पुश करते हो लिक्विड को जहाँ एफ कम है वहां एक्स ज्यादा है तो वर्क डन तुम्हारा दोनों तरफ सेम है उधर जहाँ फोर्स ज्यादा मिल रहा है ना वहां डिस्प्लेसमेंट कम होता है
जो हैवी लोड है ना वो उठता कम है, ये इतना नीचे जाता है और इतना से ऊपर उठता है। F1 कम है ना, इसका X1 ज्यादा होगा, और जो F2 बहुत ज्यादा है उसका X2 इतना सही होगा। कार तो बस एक फिट उठ जाए बहुत है आपके लिए, आप नीचे से बैठ के सर्विस स्टेशन में पूरा काम कर लेंगे। छोटे से फोर्स में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा क्रिएट करना होता है हमें, तब जाके बड़ा फोर्स तो मिलता है और उसमें डिस्प्लेसमेंट कम होता है। एनर्जी में हम कभी भी एम्पलीफाई नहीं कर सकते, एनर्जी तो बल्कि ज्यादातर लॉस ही होता है। आइडियल कंडीशन माने तो इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी, इनपुट वर्क इज इक्वल टू आउटपुट वर्क, अदरवाइज वी ऑलवेज लूज सम एनर्जी। तो ये आप मैं अभी प्रूव कर भी दूंगा आपको, ये मैं प्रूव कर भी दूंगा कि F1 X1 F2 X2 के बराबर आ रहा है, पर हम उसे अदरवाइज भी समझते हैं कि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट वर्क के मामले। तो ऐसा लिख दीजिए, इन एनी मशीन, इन एन आइडियल मशीन, इन एन आइडियल मशीन वी नेवर गेन इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन एन आइडियल मशीन वी नेवर गेन इन टर्म्स ऑफ वर्क और एनर्जी। आइडियल मशीन में हम वर्क में या एनर्जी में कभी गेन नहीं करते, बट वी गेन इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वी गेन इन टर्म्स ऑफ फोर्स हियर एट द कॉस्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हियर एट द कॉस्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट इन स्मॉलर फोर्स इज मोर, जो स्मॉलर फोर्स है उसमें डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्मॉलर फोर्स में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता है, तो उसका F into X तब जाके सेम आ जाता है। जहां फोर्स कम है वहां डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, और जहां फोर्स ज्यादा है वहां डिस्प्लेसमेंट कम है, F1 X1 F2 X2 के बराबर आ जाता है। हम इसको दिया तो कहीं भी नहीं है कुछ भी, हम चाहें तो इसे प्रूव कर सकते हैं, प्रूव कर भी लेते हैं केवल आपके ये समझाने के लिए, देखो भाई कि फोर्स तो गेन हो रहा है पर एनर्जी की कीमत को, सॉरी डिस्प्लेसमेंट की कीमत। समरी यह है कि प्रेशर P1 is equal to P2, F1 by A1 is equal to F2 by A2, मैकेनिकल एडवांटेज is equal to A big upon A small, और A1 X1 is equal to A2 X2, और W1 is equal to W2, energies are equal, energy equal। ये वेरियस पॉसिबल न्यूमेरिकल जो हाइड्रोलिक लिफ्ट में बन सकते हैं वो सब इसमें सारे कवर हो गए हैं, और केवल आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट के नाम पे इसी को रिवाइज करना है। इसको सामने खोल के कॉपी पे रखिए और हाइड्रोलिक लिफ्ट के न्यूमेरिकल करना शुरू कर दीजिए, आपसे सारे बन जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रिवाइज करने में आपको एक मिनट से ज्यादा क्या लगेगा, इसकी थियोरी अगर आप पढ़ेंगे तो आप खुद ही कोशिश कर रहे हैं कि आपको फिजिक्स ना बने। The choice is absolutely yours. Mentally prepare करना पड़ेगा, ये सामने रखिए और टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज की किताब सामने रखिए, जो नीट में क्वेश्चन आए हैं, जेई में क्वेश्चन आए हैं, सारे बन जाने चाहिए essentially। तो 70-80% भी बन गए पहली बार में तो बहुत ज्यादा है, जबकि आपने एक बार भी रीडिंग लगाई भी नहीं है थ्योरी की। Alright. तो मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी जा रहा हूँ और मैं प्रूव करता हूँ जो इनपुट वर्क है वो आउटपुट वर्क के बराबर लाने की कोशिश करता, जो इनपुट वर्क है वो F1 X1 है। अब मुझे ये तो याद आ रहा है कि F1 by A1 is equal to F2 by A2, तो मैं F1 की जगह F2 A1 ये आउट ऑफ NCERT है, और जबरदस्ती बस मैं करा रहा हूँ, मुझे आइडियली कराना ही नहीं चाहिए। F1 है F2 A1 by A2, इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। जो इनपुट वर्क है, जो इनपुट वर्क है वो हो गया F1, F1 की जगह ही तो मैं ला रहा हूं F2 A1 by A2 into X1। ये अब A1 X1 को मैं A2 X2 डाल दूंगा, F2 by A2, और A1 X1 को आप A2 X2 डाल दीजिए, A2 A2 कैंसिल आ गया, तो ये F2 X2 हो गया। F1 X1 की वैल्यू F2 X2 के बराबर हो गई, इसको इग्नोर कर दीजिए, मत करिए। मानिए बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करिए कि भाई हम लोग एनर्जी में कभी गेन नहीं कर सकते, जो इनपुट एनर्जी है हद से वो आउटपुट एनर्जी के बराबर होगी। F1 X1 has to be equal to F2 X2, पूरी नटशेल में मुझे कहानी ये समझ में आ रही है कि यहाँ हम फोर्स तो गेन कर रहे हैं बट एट द कॉस्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, पर एनर्जी में गेन नहीं कर रहे हैं।
और बेसिकली बात यह कि इस पूरे बल्क लिक्विड्स और गैसेस में प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है, जितना प्रेशर यहां से आएगा उतना ही प्रेशर यहां लगेगा। सिर्फ लिक्विड्स और गैसेस में कभी भी फोर्स के नाम की बात ही नहीं की जाती, प्रेशर की बात की जाती है। इस डेरिवेशन को आप कृपया दोबारा ना पढ़ें, रिवाइज तो खैर सारी काम की ही चीज हो रही है, पर डेरिवेशन के स्टेप्स दिमाग में ना रखें। ऑल राइट, एग्जाम्पल अगला चल रहा हूं मैं। एक चीज कह रहा है, नोट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पहले तो मैं एक लाइन आपको यह पढ़ाऊंगा कि प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस की बात मैं आपको यह भी पढ़ाऊंगा। एक क्वेश्चन ये हमारा था ना कि मान लीजिए ये 100 मीटर गहरा पानी है, ये 100 मीटर गहरा पानी है और ऑफ कोर्स इट इज ओपन, द कंटेनर इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो व्हाट इज द टोटल प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, यहाँ पे टोटल प्रेशर क्या है, तो प्रेशर ड्यू टू वॉटर कॉलम प्लस प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, बिकॉज दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली, हम जानते हैं ये प्रेशर पूरा नीचे तक ट्रांसमिट होगा, प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली, जैसा प्रेशर है उतना पूरा यही नीचे जाके भी इसका असर 180 ही होगा, तो 100 मीटर का 10 atm, तो कि 10 मीटर का 1 atm, तो 100 मीटर का 10 atm प्लस एटमॉस्फेयर का 1 atm, ये टोटल मिला के हो गया, टोटल प्रेशर हो गया बॉटम पे 11 atm। ये इस बात को प्रूव कर रहा है कि हाँ, कि हमने जो पहले बात यूज की थी कि इसका प्रेशर भी नीचे ट्रांसमिट होगा, आज वो रीजन समझ में आया है कि प्रेशर इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड, इस दरमियान प्रेशर कम नहीं हो गया, प्रेशर इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड, और यहां ही नहीं यहां भी प्रेशर, ये वाला प्रेशर इधर भी ऐसा ही है, तो मुझे बोला था ना ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, तो खैर इस वाली डायरेक्शन की हम बातें ना करें, बस आपको इसकी बात करें, जो एटमोस्फियर का प्रेशर है, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो दैट इज ट्रांसमिटेड इक्वली। तो इस सवाल में ये कह रहा है कि भाई अभी जो डिस्कशन हमने किए उसमें एटमॉस्फेयर के प्रेशर को हमने इग्नोर कर दिया, क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो जितना यहाँ है उतना ही यहाँ भी है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो जितना यहाँ है उतना ही यहाँ भी है, तो आप एटमॉस्फेयर प्रेशर के बारे में दोनों तरफ बातें ना करें तो चलेगा, कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ की बातें, ये लाइन का कोई मतलब नहीं है और कंफ्यूजन ही बढ़ाएगी और चार डाउट से दिमाग में आएंगे। एनसीईआरटी में लाइन लिखी थी तो मजबूरी में मैंने आपको पढ़ाई। द नोट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉमन इन बोथ द पिस्टन्स एंड हैज बीन इग्नोर्ड, दोनों तरफ से सेम प्रेशर काम कर रहा है तो हम उसको दोनों तरफ इग्नोर कर सकते हैं। ऑलराइट, एग्जांपल 10.6 देख रहा हूं मैं। इन अ कार लिफ्ट कंप्रेस्ड एयर एक्सर्ट्स अ फोर्स F1 ऑन अ स्मॉल पिस्टन, आपकी बार रेडियस ही दे दिया, अच्छा किया डायमीटर नहीं दिया। दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू अ सेकंड पिस्टन ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, फिगर 10.7। मेरी किताब में तो फिगर 10.7 है नहीं, पर शायद जरूरत भी नहीं है। इफ द मास ऑफ द कार टू बी लिफ्टेड इज दिस मच, कैलकुलेट F1, हमारे लिए बड़ा आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। What is the pressure necessary to accomplish the task? बात तो सही है, सिंपल है। In a car lift, compressed air, अच्छा की बार एयर से शायद वो लगवा रहा है प्रेशर, इसकी बात शायद कर रहा हो, वरना तो उसने F1 by A1 F2 by A2 F1 शायद उसे निकालना है और एरिया है पाई आर स्क्वायर और रेडियस के कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही रहने दो। द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू अ सेकंड पिस्टन ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, मास ऑफ द कार टू बी लिफ्टेड, ना ये जो F2 है ना ये mg अपॉन पाई r2 स्क्वायर और r2 15 सेंटीमीटर, बस ठीक, ये पाई पाई कैंसिल हो गया, F1 अपॉन 5 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कार का मास दिया है 1350 kg, ये केजी में जो है वो मास दिया, पर मुझे जो रखना है वो न्यूटन में रखना है, 9.8 या 10 अपॉन 15 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये न्यूटन में आ गया, क्योंकि आपने F2 को न्यूटन में डाला है इसलिए आपका F1 भी न्यूटन में आ जाएगा। ये एरिया रेडियस 3 गुना बड़ा है, इधर बोले तो रेडियस 3 गुना कम है, रेडियस 3 गुना कम है तो एरिया 9 गुना कम है, तो फोर्स भी 9 गुना कम लगाना पड़ेगा।
F1 जो आएगा वो 1350 इंटू 9.8 न्यूटन अपॉन 9 आ जाएगा, 15 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, जहां एरिया जहां रेडियस 3 गुना कम है, जहां रेडियस 3 गुना कम है वहां एरिया 3 गुना कम है और वहां फोर्स भी 3 गुना कम आएगा, बस तो 9 गुना ये कम आ जाएगा। कहते दिस इज ऑलमोस्ट ठीक है, वो तो उसने निकाल लिया 1.5 इंटू 10^3 न्यूटन है ना, द एयर प्रेशर दैट विल प्रोड्यूस दिस फोर्सेस। अच्छा प्रेशर तो दे दिया, अच्छा ये तो फोर्स की बात हुई, अभी ये फोर्स की बात हुई, ये करीब करीब इतना ही है, थोड़ा सा बड़ा है, इससे थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि ये 9 है और ये 9 से थोड़ा सा बड़ा है, तो ये आंसर थोड़ा सा बड़ा आ गया है, ये आंसर आ गया है, इसने बोला है 1470 न्यूटन। हो सकता है सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स के तहत वो उसे 1.5 × 10^3 न्यूटन कह रहा है, तो ये जो F1 आया है ये चलिए मैं तो 1470 न्यूटन ही ले लेता। अब आपको एयर का प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर है फोर्स अपन एरिया, फोर्स ये है और जो एरिया है वो है पाई। अब तो फिर एमकेएस का लिखना पड़ेगा क्योंकि आप प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकालना चाहते हैं, एंड दिस इज 1.5 × 10^5 पास्कल, दिस इज ऑलमोस्ट डबल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर ये आ रहा है 2 × 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो आ रहा है 2 × 1 × 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सो दिस इज 280 टोटल प्रेशर की बात कर रहा है, टोटल प्रेशर यहाँ पर 280 है, दिस इज ऑलमोस्ट डबल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाइड्रोलिक बस ये तो हो गया, बात खत्म हो गई, और इसमें वो इंक्लूडेड नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का असर दूसरी तरफ भी आ जाएगा, वो आप वार्निंग लिख दीजिए कि द टोटल प्रेशर टू बी क्रिएटेड बाय द कंप्रेस्ड एयर, the total pressure to be created by the compressed air on piston 1 is 280 mm। वो लाइन ठीक थी जिसे हम बेकार समझ रहे थे, वो लाइन ठीक थी, जो टोटल प्रेशर हमें क्रिएट करना है कंप्रेस्ड एयर को, वो 280 mm पैदा करना है। कहीं आपको ऐसा ना लगे कि इस 280 mm में से 180 mm तो एटमॉस्फेयर पैदा कर देगा, ये बात तो सही है कि टोटल प्रेशर है 280 mm चाहिए तो इसमें से 180 mm एटमॉस्फेयर पैदा कर देगा, पर फिर 180 mm का असर उस तरफ भी तो आएगा, दोनों तरफ आएगा। साफ साफ लिख दीजिए कि वी शुड नॉट थिंक दैट आउट ऑफ दिस टोटल प्रेशर 180 mm प्रेशर विल बी क्रिएटेड बाय द एटमॉस्फेयर, ऐसा हमें नहीं सोचना है। ये कभी अचानक से डाउट आ सकता है, ये प्रेशर अगर उसने निकलवा लिया, अब यहाँ एक स्टेप आगे गया, पहले तो F1/A1 = F2/A2 से उसने F1 निकलवा लिया, बाकी सब हमें दिया था, फिर उसका प्रेशर निकलवा लिया, प्रेशर तो मैं खाली F2/A2 से भी निकाल सकता था, मुझे इतनी जरूरत ही नहीं थी, खाली F2/A2 से भी मेरा आंसर आ जाता, मुझे F1 नहीं मालूम था पर मुझे F2 तो मालूम था, 30-50 kg का वेट और उसका एरिया भी मालूम था, तो मुझे P2 दूसरी तरफ का प्रेशर मालूम था, प्रेशर तो दोनों तरफ इक्वल है, अगर सिर्फ प्रेशर मांग रहा होता तो मैं सिर्फ F2/A2 से निकलवा लेता, मुझे F1 की जरूरत है ही नहीं। खैर एनीवे समझना ये है कि भाई यहां पर आप एटमॉस्फेयर का प्रेशर 180 mm है, इसके अलावा 280 mm और लगाइए, तब नीचे से 280 mm आएगा और एटमॉस्फेयर का प्रेशर 180 mm यहाँ भी है, तो दोनों तरफ जो है उसको कैंसिल कर दो। आप ये बोलो कि मैंने यहाँ 280 mm लगाया तो मुझे यहाँ 280 mm मिला, कभी अदरवाइज अगर ये हम ना पढ़े हो तो आपको अचानक डाउट आ सकता है, कभी ऐसा लगेगा कि टोटल प्रेशर 280 mm है तो इसमें से 180 mm तो एटमॉस्फेयर एग्जर्ट कर ही रहा है, नहीं, ये जो प्रेशर आया ये पूरा कंप्रेस्ड एयर से हमें ही क्रिएट कराना है इन एडिशन टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो असर यहाँ हो रहा है वही असर यहाँ भी हो रहा है, तो हम दोनों तरफ से उसे कट्टिस पिट्टिस कर देते हैं ना, यहाँ उसको गिनेंगे ना यहाँ उसको गिनेंगे, हिसाब बराबर कर देंगे, बस
आगे कह रहा है हाइड्रोलिक ब्रेक्स एंड ऑटोमोबाइल्स आल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। हम इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, चलिए लिख लेते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक हेडिंग दे दीजिए, हाइड्रोलिक ब्रेक ये थियोरी है और इसमें हम ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं। हाँ हाइड्रोलिक ब्रेक के नाम से भी कोई न्यूमेरिकल बना के दे सकता है F1 by A1 is to F2 by A2 से ज्यादा वो क्या करा लेगा, इसमें कोई ज्यादा सवाल बनता ही नहीं है, इसमें कोई ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है आपको, बस यू हैव टू बी इन टच, ये विश्वास हो गया ये आपने थोड़ा ठीक ठाक पढ़ लिया है, इसमें कोई वेरायटी बनी नहीं सकती, कितना भी लंबा सवाल बनाए आपको ढूंढना है कहीं F1 A1 F2 A2 ये देखना है कि मांगा क्या है, सिंपल सवाल बनेंगे इसमें। हाइड्रोलिक ब्रेक की बात कर लें, ऑल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, पहले तो ये लिख दीजिए हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ, हाइड्रोलिक ब्रेक का प्रिंसिपल है पास्कल्स लॉ, दैट इज प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड, प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड थ्रू अ फ्लूइड कॉलम, थ्रू अ फ्लूइड कॉलम इन अ कंटेनर, एक कंटेनर के अंदर है, यहां वहां नहीं जा सकती है, पाथ उसका डिफाइंड है, उसके मूवमेंट का पाथ डिफाइंड है, तो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। व्हेन वी अप्लाई अ लिटिल फोर्स ऑन द पेडल विद अवर फ्लोर अवर फुट द मास्टर प्रेशर, हम लोग कार में बैठे हैं, कार में हाइड्रोलिक ब्रेक्स है और आपका जो पेडल है जिसपे आप ब्रेक लगाते हैं वो तो जरा सा इतनी भारी सी कार मस्त रुक जाती है। कहता वी अप्लाई अ लिटिल फोर्स ऑन द स्मॉल पेडल विद अवर फुट द मास्टर पिस्टन मूव्स इनसाइड द मास्टर सिलेंडर एंड द प्रेशर कॉज इज ट्रांसमिटेड थ्रू द ब्रेक ऑयल, बीच में ब्रेक ऑयल होता है टू एक्ट ऑन अ पिस्टन ऑफ लार्जर एरिया, ऐसे ही कुछ लिख दीजिए, लिखे पिस्टन लिटिल फोर्स इज अप्लाइड बाय अस, लिटिल फोर्स इज अप्लाइड बाय अवर फुट ऑन अ स्मॉल पेडल, little force is applied by our foot on a small pedal and this pressure is transmitted through the brake oil, this pressure is transmitted through the brake oil on a larger piston। aap car mein baith ke brake pe jab pair maar rahe hain to chhota sa pedal hai us pe aap halka sa force laga rahe hain, जो भी यहाँ प्रेशर डेवलप हुआ ब्रेक ऑयल के थ्रू वही पिस्टन वही फोर्स बड़े पिस्टन पे चला जाता है जिसका एरिया ज्यादा है, बस लिख दीजिए नाउ अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन दिस पिस्टन, लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन दिस पिस्टन विच मेक द ब्रेक शूज प्रेस हार्डर against the brake lining, which make the brake shoes press harder against the brake lining। तो ये पूरी की पूरी थियोरी है, किसी भी काम की नहीं है, हाँ वो हाइड्रोलिक लिफ्ट की जगह हाइड्रोलिक ब्रेक के नाम से न्यूमेरिकल दे देगा और आपको आदत है हाइड्रोलिक लिफ्ट के न्यूमेरिकल की, यहाँ पे भी एक ब्रेक पैडल है जिसका पिस्टन का एरिया कम है, आप उसमें थोड़ा सा आपने फोर्स लगाया ब्रेक ऑयल के थ्रू वो फोर्स ट्रांसमिट हो गया फ्लूइड के थ्रू और पिस्टन का एरिया ज्यादा है तो वहां ज्यादा फोर्स डेवलप होता है, तो जो गिट्टी जिसे कहते हैं हम देसी भाषा में साइकिल वाइकिल के ब्रेक में, वो गिट्टी जोर से पैडल पे चिपक जाती है, जो ब्रेक लाइनिंग है वहां फ्रिक्शन के कारण वो चिपक जाती है, पहिए को जाम कर देती है, अब घूम नहीं सकता पहिया, घिसट जरूर सकता है, जब जोर से ब्रेक आप लगा देते हो अचानक तो पहिए का घूमना इंस्टेंटेनियसली बंद हो जाता है, हाँ अभी भी उसमें एनर्जी है और वेलोसिटी है तो स्लाइडिंग मोशन होता है तब जब टायर के स्किड मार्क्स जमीन पे पड़ते हैं, ये कुछ कह रहा है अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन द पिस्टन एंड इज पुश्ड डाउन एक्सपैंडिंग द ब्रेक शूज अगेंस्ट ब्रेक लाइनिंग, बस अब हम आगे लिख नहीं रहे, कहते हैं इन दिस वे स्मॉल फोर्स ऑन द पेडल प्रोड्यूसेस अ लार्ज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हील, एन इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ द सिस्टम इज दैट द प्रेशर सेट अप बाय द प्रेसिंग पेडल इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल सिलेंडर्स अटैच्ड टू द फोर व्हील्स सो दैट ब्रेकिंग एफर्ट इज इक्वल इन ऑल द व्हील्स। कितनी बढ़िया बात उसने कही है कि आप मान लीजिए कि चारों व्हील्स पे आपका ब्रेक काम कर रहा है, चार ब्रेक्स लगे हैं, चार पिस्टन लगे हैं, कई बार फोर व्हील ड्राइव होती है, कई बार टू व्हील ड्राइव होती है, वो इंजन पावर की बात करता है पर हम पावर की बात नहीं कर रहे हैं, चलिए ब्रेक की बात कर रहे हैं,
साइकिल में तो होता है आगे के ब्रेक अलग होते हैं, पीछे के ब्रेक अलग होते हैं, यहाँ पे वो कह रहा है कि प्रेशर जो है इक्वली ट्रांसमिट हुआ है चारों ब्रेक्स में, तो चारों व्हील पे आइडेंटिकल ब्रेकिंग इफेक्ट आया। ऐसा नहीं है कि एक व्हील में थोड़ा रिटार्डेशन कम पैदा हुआ और एक में ज्यादा पैदा हुआ है, नहीं तो कहीं तो कुछ तो इंटरनल फोर्सेस डेवेलप हो जाएंगे, तो उसके बारे में खैर हम बात नहीं कर रहे, पर चारों व्हील्स पे आइडेंटिकल फोर्स ब्रेकिंग फोर्स डेवेलप हुआ है। ये गिट्टा है साइकिल का, यहाँ पहिया है और आप जब ब्रेक लगाते हैं तो ये जाके पहिए पे चिपक जाता है। चलिए ये लाइन लिख दीजिए, यहाँ पर हम उसमें इंटरेस्टेड तो नहीं है, हमने ब्रेक की वर्किंग तो समझ ली, जो पेडल पे छोटा सा फोर्स लगाएंगे प्रेशर जो डेवलप होगा वो बड़े पिस्टन पे जाएगा, प्रेशर तो इक्वल होगा तो बड़े पिस्टन पे एरिया इक्वल, एरिया ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा है, एनर्जी में तो कोई फर्क नहीं आएगा, एनर्जी में तो कोई फर्क नहीं आएगा, बल में तो कोई फर्क नहीं आएगा, पर फोर्स में हम गेन कर, तो बस वो जोर से फोर्स को ब्रेक लाइनिंग पे चिपका देता है, बस डैश करके लिख दीजिए, देन द ब्रेक शू, व्हेन द ब्रेक शू प्रेसेस हार्ड, व्हेन द ब्रेक शू प्रेसेस हार्ड अगेंस्ट द ब्रेक लाइन, ब्रेक लाइन थोड़ी बहुत रफ होती है उसको जोर से चिपक जाता है, द व्हील गेट्स लॉक्ड, व्हील लॉक हो जाता है एंड कैन नॉट रोटेट फर्दर, ना रोलिंग हो सकती है ना रोटेशन हो सकता है, ना तो वो रोटेशन हो सकता है ना रोल हो सकता है, उसमें रोटेशन सर्कुलर मोशन ही खत्म हो जाता है, चिपक पकड़ लिया ना उसने उसको, व्हील चिपक गया ब्रेक, ब्रेक शू, द व्हील गेट्स लॉक्ड एंड द व्हीकल स्किड्स, नाउ द व्हीकल स्किड्स, ब्रैकेट में स्लाइडिंग मोशन होता है, जोर से आपने ब्रेक लगा दिए पूरी ताकत से तब पहिया नहीं घूमता, हाँ गाड़ी स्किड कर सकती है, द व्हीकल स्किड्स एंड वी सी द स्किड मार्क्स ऑफ द टायर ऑन द ग्राउंड, हमें उस समय टायर पे स्किड मार्क्स दिखते भी हैं। अब उसमें सिंपल रिटार्डेशन होता है, अब अगर कैलकुलेशन करनी पड़े तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस वाला फॉर्मूला लगेगा। ये सारी बातें ब्रेक से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं सब बेकार हैं, और ये स्किडिंग वाली बातें तो गाड़ी में एनसीईआरटी में थी भी नहीं, मैंने ऐसे ही अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पढ़ा दी, इनको पूरी तरह इग्नोर किया जा सकता है, डेली लाइफ से रिलेटेड है, आप इसे होते हुए देखते भी हैं, इसलिए मैंने बोल दिया आपसे कि व्हील लॉक हो जाता है जब आप प्रॉपर ब्रेक लगाते हैं जम के, तो व्हीकल ब्रेक हो जाता है, व्हीकल लॉक हो जाता है, पहिया घूम नहीं सकता, रोलिंग मोशन नहीं हो सकता, हाँ आप ड्रिफ्ट मार सकते हैं या तो स्पीड मार सकते हैं, या आप हीरो गिरी में उतर रहे हैं तो गाड़ी को ड्रिफ्ट कर सकते हैं, पूरी की पूरी गाड़ी को साइडवेज ड्रिफ्ट आपने किया होगा, ये सारा धंधा धतकर्म आप करते हैं, या तो आगे स्किडिंग करते हैं या आप साइड में ड्रिफ्ट मारते हैं, काम की बात केवल हाइड्रोलिक मशीन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, जहां फिर बात बता दूं आज की क्लास की पूरी समरी यह है कि पास्कल्स लॉ ये कहता है कि फ्लूइड में जो कि वेसल में कंटेंट है प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली, तो F1 by A1 is equal to F2 by A2, जहां एरिया कम वहां फोर्स कम, जहां एरिया ज्यादा वहां फोर्स ज्यादा, फिर वॉल्यूम्स इक्वल होती है, तो वर्क इनपुट वर्क या इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू आउटपुट वर्क, और हम समझते हैं फोर्स इज गेन्ड एट द कॉस्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज गेन्ड एट द कॉस्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और अगर मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें तो वो ए बिग अपॉन ए स्मॉल, हाँ वो फोर्स बिग अपॉन फोर्स स्मॉल भी है, जो दे दे सवाल, और वो इससे भी रिलेट कर सकता हूं मैं, इसीको तो एक्स बिग अपॉन एक्स स्मॉल, अगर वो डिस्प्लेसमेंट्स की बात करते, आपको अगर ये एक से बड़ा निकालना है तो जो भी दो चीजें दी उसमें बड़ा अपॉन छोटा कर दीजिए, बात ही खत्म, कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं, दो एरियाज दिए तो बड़ा एरिया अपॉन छोटा एरिया, दो फोर्सेस दिए तो बड़ा फोर्स अपॉन छोटा फोर्स, और दो अगर डिस्प्लेसमेंट दिए तो बड़ा डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आपको आंसर एक से बड़ा निकालना है। Guys, that's all about it. It has been a lovely lecture, and thank you.